चलिए आप खबरों में आगे बढ़ेंगे। एमपी में भी छठ पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छठ पर्व की बधाई दी, देश और प्रदेश वासियों के मंगल की कामना की और साथ ही यहां पर सभी को शुभकामनाएं दी गई सीएम मोहन यादव द्वारा। तो देखिए एमपी में भी छठ पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छठ पर्व की बधाई दी। सभी घाटों पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। शाम को सूर्य देव को अर्घ दिया जाएगा और कहा जाता है कि जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छठ पर्व की सभी को बधाई दी है, देश और प्रदेश वासियों के मंगल की भी कामना की है। पावन पर्व पर मेरी अपनी ओर से देशवासियों को प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। खास करके बहने और सुहागन बहने अपने सुहाग की उम्र लंबी मिले, कोई कष्ट न्याय, परिवार में सुख समृद्धि और आनंद का वास हो, इस निमित्त चार दिन तक ये जो त्योहार में डूबती है भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य अर्पण करने के बाद पानी थोड़ा सा अल्पाहार उसके बाद ही ग्रहण करती है। यह हमारी संस्कृति भी अद्भुत है। बहनें अपने जीवन को कष्ट में डालकर अपने पति के सुहाग की लंबी आयु के लिए कितनी कठिन साधना करती है, लेकिन इसमें भी सुख छिपा है, भगवान का आशीर्वाद है। सनातन संस्कृति इसी प्रकार से बढ़ती है। जगह जगह अभी माहौल बना हुआ है, हमने पूरे प्रदेश में निर्देश जारी किए कि हर तालाब नदी पोखर के किनारे अगर छठ मैया की पूजन होती तो प्रॉपर उसकी चिंता करें। हमारे परंपरागत स्थान जहां होती है वहां तो व्यवस्था रहेगी, जहां भी चाहेंगे वहां भी हम व्यवस्था बनाएंगे।